बहुत सुंदर अभी आप लोग अर्घ पढ़ रहे थे और कहते भी हैं कि विसापहार में धनंजय जी कहते हैं, तत्याज सक्रा सक्रा विमानम नहाम तजामी स्नान बंधम स्वल्पे निबोधे तथोर्धिकार्थ बाताय ननेव निरूपयामि। कहते हैं बताते कांच को हीरा, बताते कांच को हीरा, ये केवल भ्रम है। और सुधा को जो जहर कहते, इसी में सबसे पूछो गम है कि सुधा को जो जहर कहते। माने हम ऐसे हो गए, लोग कहते कि सांप हो तो रस्सी में सांप नजर आता है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हमें सांप रस्सी नजर आता है। लोग कहते हैं कि दाल में काला हो, मैं कहती हूँ आज दाल ही काली हो गई। बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान कर्म युग के आप प्रारंभ में थे और मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? जैसे कि एक छोटा सा राई पर्वत की उपमा बताने चले। हमने अभी पढ़ा भी अर्घों में कि भगवान आपके अनंत गुण हैं, कहवत के 40 गुण गंभीर। पूजा में हमने पढ़ा कहवत के 40 गुण गंभीर, यानी तो अपन कहते तो कहने सुनने की बात है, आप तो बहुत बड़े, आपकी उपमा कहाँ तक कह सकते हैं। तो हम जो कहते हैं कि 40 मूल गुण है, सच पूछो सारे दुनिया के जितने गुण और अच्छे परमाणु है सब परमात्मा में, क्योंकि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देख, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। कहती उतने ही परमाणु दुनिया में थे, उससे आपकी रचना हो गई तो और लोगों के लिए तो खराब खराब परमाणु बढ़, लेकिन इन परमाणुओं को भी हम शुद्ध परमाणुओं में कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज सब लोक में नरे जन्म करो। परमाणु पुद्गल कोई न शुभ होता है न अशुभ होता है, ध्यान रखना। भई मिट्टी की हंडी कुमार के यहाँ से आती है, यदि शादी में सुहागवती स्त्री ले जाए तो मंगल कलश कहलाती है, वही वही मुर्दे के आगे चले तो अश्वंडी हो जाती है। उसे वहीं फोड़ कर आते हो और इसे संभाल कर परिंडा आप लोग बोलते हैं, जो जल का स्थान होता है उसको ऊपर रखते हो, क्योंकि घड़ा तो घड़ा होता है, घड़ा मिट्टी से घड़ा होता है, लेकिन घड़े को बनाने के लिए भी कुंभकार है तो घड़ा बन जाएगा, अनाड़ी है तो खप्पड़ बन जाएगा। क्योंकि हमें अभिमान नहीं करना हमने मनुष्य गति पाई। लोग कहते हैं कि मनुष्य गति दुर्लभ है, मैंने कहा होगा दुर्लभ, लेकिन आज जहां आदमी भी मरना चाहता हो उसे दुर्लभ कहेंगे क्या? जहां सच पूछो जानवर भी आदमी की औलाद नहीं बनना चाहता, क्योंकि आदमी आज अपनी मर्यादा को बिल्कुल खो चुका है। तो कहा है मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। आपकी स्तुति करने के लिए इंद्र भी अपनी शक्ति को नहीं लगा पाता, उस पर शक्ति नहीं इतनी कि आपके गुणों को गा सके। गुणों का गाने का मतलब ये है सिर्फ जवान से नहीं, हम भक्तामर में पढ़ते हैं, रखते जहां वहां रचते हैं स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रहे उनमें अविराम। भगवान आपके चरण पूजनीय नहीं है, आपके आचरण अच्छे थे इसलिए चरण पूजनीय हो। चरण किसके पूजनीय होते? आप अपने पैर पढ़ने लोगों खुद तो क्या होगा, लोग तुम्हें पागल साबित कर देंगे कि दिमाग खराब है, अपने खुद के पैर पड़ता है। और साधु देव सास गुरु को नमस्कार करने लगो तो तुम्हें लोग पुण्यात्मा कहने लगेंगे, क्योंकि एक बार एक दोने को अभिमान आ गया
कि मुझे तो बड़े हरे हरे पत्ते तोड़कर बनाते हैं, फिर हमें बहुत सरिया के रखते हैं, यानी बहुत सहेज के रखते हैं, फिर मेरी कीमत लगती है और कीमत ही नहीं लगती है। मैं हलवाई के दुकान में कोई काम मेरे बिना नहीं होता है, उसको अभिमान आ गया कि मेरे बिना तो मिठाइयाँ बिकी नहीं सकती हैं। और कहते हैं एक दिन वो नौबत आई कि वो तराजू पर चढ़ा, उसने कहा वाह मेरी कीमत देखो, आज मुझे तोला जा रहा है, मिठाई को नहीं तोला जा रहा है, मिठाई मेरे बिना तुल नहीं सकती है। और मैं देखो क्या जन्मदिन पे जा रहा हूँ, शादी की सालगिरह पे जा रहा हूँ, मैं किसी रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ियों में जा रहा हूँ, हाथ में आ रहा हूँ, हाथ में लिया जा रहा हूँ, हाथ में दिया जा रहा हूँ, मेरी कीमत कितनी बड़ी है। लेकिन आया सच है, हलवाई ने दोने में मिठाई रखी, बढ़िया से बांधा, मौली बांधी, आदमी ने खुश होकर लिया, घर आया, पत्नी को दिया, पत्नी खुश हो गई, बच्चे तालियां बजाने लगे। अब तो उस दोने को और अभिमान आया कि वाह मेरे तो आने पर घर में देखो क्या चहक, सबके मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं, मेरे आने का सब लोग अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन अपनी औकात तो जब पता चली, जब खाने की मेज पर रखा गया और लोगों ने रसगुल्ला तो खाया और उसको मचोड़ कर डस्टबिन में डाल दिया गया और गाय चर गई, अस्तित्व खत्म हो गया। हमारी हालत भी सुबह के पेपर के समान है, जब आते हैं तो पेपर 10 बार पढ़ते हो और जब जाते हैं तो रद्दी की तरह हालत होती है। सुबह पेपर आता है तो बड़े प्यार से खोल कर पढ़ते हो और शाम तक रद्दी वाले के यहाँ चला जाता है, और वो फिर कहाँ कहाँ जाता है ये सब आपको पता है। रद्दी वाले के यहाँ से घर में गंदगी भी साफ कर देते हैं, कभी नहीं करना। अखबार से कभी गंदगी साफ नहीं करना, क्योंकि वही वर्ण है, वही शब्द हैं जिनसे जिनवाणी भी बन जाती है। ये हम जानबूझ के अनजाने में लोग कहते क्या करें इन अखबारों का, हमें ज्ञान है। लोगों को अंधेरों ने घेरा है, हम प्रकाश में हैं, क्योंकि कहते हैं वे जीते अंधेरों में, वे जीते अंधेरों में, अंधेरों में फना होते न मरते दम तक, वो कभी अंधेरों से रिहा होते। अगर ये सच है कि दुनिया वाले उनकी कद्र जानते, तो ना जाने दुनिया में वो क्या से क्या होते, ना जाने दुनिया में वो क्या से क्या होते। हम परमात्मा के साथ रहे, आप कहोगे हम परमात्मा के साथ रहे, हमारी जन्म और मृत्यु की श्रृंखला कोई नई नहीं है, अनादि काल से जन्म किया गया और मरे हैं, अनादि काल ना आदि थी अनादि। हमने इतने बार इतनी करोड़ों करोड़ों नहीं अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं, और हम निश्चित कुंद कुंद स्वामी की वाणी याद कर लो कि तीन लोक में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तेरा शत्रु या मित्र रूप में परिवर्तित नहीं हुआ हो, तो वो हमारे संबंधी रहे। आज भी हम उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूजा पाठ सिर्फ परमात्मा को अपना बनाने की विधि है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये चावल तो पहले भी प्रकृति में ही लगे थे, ये जल तो उन्हीं का है, उन्हीं का कि मतलब प्रकृति का है, और प्रकृति पे परमात्मा की अनुकंपा होती है। हमने क्या चढ़ाया, जल के माध्यम से परिणामों को निर्मल बनाया, चंदन के माध्यम से अपने आप को शीतलता लाए ऐसी भावना भाई, अक्षत के माध्यम से हमने शुक्ल लेस्या प्राप्त हो, हमें वो शुक्ल लेस्या और शुभ परिणामों की प्राप्ति हो, हमारा वस्त्र ही धवल नहीं हो, हमारा दिल भी धवल हो जाए, और एक दिन धवल हो जाए तो कर्मों का नाश निश्चित हो जाएगा।
जिसकी शुक्ल लेसा होती है वो महामुनि हुआ करते हैं। खाने के बाद चावल मिलता है, इसका मतलब मेरी अंतिम पर्याय है। मैंने परनामों को इतना विकृत किया है, अब 10-20 साल जो भी बचे हैं पता नहीं क्या भरोसा, कांच का घट है किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। पता नहीं जिंदगी में कब कौन की, समझ गए, विदाई की मंगल वेला आ जाए तो हम क्या करें। हमने पुष्प चढ़ाया है भगवान, वरमाला में सुहाग सेज में सब जगह पुष्पों का उपयोग होता है, लेकिन ये पुष्प तो कितने भी सुंदर हो मुरझा जाते हैं। परमात्मा में वो पुष्प चाहता हूँ, मैं वो सुगंधी चाहता हूँ जिस सुगंधी को, जिस कोमलता, जिस निर्मलता, जिस दया क्षमा संवेदनाएं आपके अंदर थी, आप उसी भव में तीर्थंकर होने वाले थे। आपने, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान, लेकिन आप कहोगे माता जी हम तो तीर्थंकर का जन्म मनाते हैं, वो तीर्थंकर का जन्म नहीं है, वो बालक का जन्म है। ये सच है कि सूर्य आने से पहले उसकी प्रभा आ जाया करती है, सूर्य दूर होता है लेकिन कमलों को विकसित कर देता है, सूरजमुखी विकसित हो जाता है उसकी तरफ मुख कर लेता है। इसीलिए परमात्मा मेरे अंदर वो भव्यता अभी नहीं आई है, लेकिन मैं श्रेणी में लाइन में खड़ा हूँ और आपको देखकर मेरा हृदय कमल, मेरे नयन कमल, मेरे कर कमल, मेरे चरण कमल सब आपकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके तेरे पद का प्रत्याशी हूं मैं भी उसी पद के लिए। लेकिन सच बताना ऐसे भाव आते हैं क्या? धूप चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ तो क्या चढ़ाना है बस? मैंने कहा इतना चढ़ाया, एक बार खुद को चढ़ा दिया होता, क्योंकि पूजा का फल हमें निश्चित मिलता है, द्रव्य पूजन का भी मिलता है, भाव पूजन का भी मिलता है, सचित देवता का भी मिलता है और अचित देवता का भी मिलता है। सचेतन देवता कौन से हैं? समोसरण में जो केवली भगवान विराजमान है वो चेतन देवता है, अचेतन देवता हमारी प्रतिमा है। लेकिन फिर भी ये पुद्गल के द्वारा भी पूजनीय है, क्योंकि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और दूसरी बात कहिए, भगवान मैं क्षुधा रोज खा खा के परेशान होता हूँ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े भी। और तुलसी जी कहते हैं तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। दो काम कर लेना देने के नाम पर मुनि चरिया में आपका द्रव्य दान लग जाए।